गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो अभी टाइम हो रहा है 7 और हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। दीदी अब घर जा रही है अपने कोलकाता, तो उसके लिए हम लोग निकले हैं और पीछे सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे मिल लीजिए। गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मा गुड मॉर्निंग बोल दो आदि। हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट और दीदी को यहाँ पे हम लोग करते हैं ड्रॉप। तो हमारा सामान ले जाने वाला आ गया है और दीदी का सारा सामान लेके जाएगा। कुछ बोलोगे फिर कब आओगे? हाँ अच्छा तो नहीं लगता। आदि 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 एक बार बाय 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 बाय। अरे ठीक है फिर तो आएगी ना। कोई नहीं रहने दो। आदि बाय। सो गाइस दीदी चली गई है और अच्छा नहीं लग रहा है। बाबू भी नहीं जाने मान रहा था, कह रहा था नहीं जाएंगे। और दीदी उसको देख के इमोशनल हो गई और जो कंट्रोल था उसका अपने आप पे वो नहीं कर पाई। बट जाना तो था ही सबको, लेकिन नहीं अच्छा लगता ना कितने सालों बाद हम चारों मिलते हैं। उसके बाद फिर जो उसको जाना पड़ा, बट कोई नहीं फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अभी सब लोग चले गए और मैं मिलती हूँ आपको घर पे। चलिए चलते हैं। सो गाइस आपको एक बात और मुझे बतानी थी कि क्या आप जानते हैं कि किरण दीदी घर पे आई थी शादी वाले दिन और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में वो चली आई थी। तो इसीलिए मम्मी इतनी जल्दबाजी थी और इतना सब इमोशनल थे कि किरण दीदी को उनकी विदाई की साड़ी नहीं दे पाए थे। तो मम्मी ने किरण दीदी की साड़ी मेरे हाथ से ही भिजवा दिया और बोला कि किरण को ये साड़ी भिजवाया है, वो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यूपी में कुछ इस तरीके से विदाई की साड़ी में ये सारी चीज़ें डाली जाती, जिसमें बिंदी सिंदूर मेहंदी और सिंदूर बिंदी नेल पॉलिश वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं और छोटा सा क्रीम। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये साड़ी मैं लेके चलती हूँ दीदी के पास और दीदी का एक्सप्रेशन देखती हूँ कि उन्हें कैसा लगा। तो ये रहा दीदी का मिठाई सामान है, तो चलिए चलते हैं और दीदी को देते हैं दीदी के घर पे और बुलाते हैं दीदी को। दीदी बहन बहन दरवाजा खोलिए बहन। आइए भाई आइए, स्वागत है आपका। भाई पूछो जीजा जी कहाँ है। बर्तन धो रहे। अद्भुत जीजा जी अद्भुत। सच में हाय हाय सच में बर्तन धो रहे हैं। बर्तन में गरम मेथी चिकन। हाँ मम्मी बोली ना कि इतनी जल्दी जल्दी में चली गई और सब रोने गाने में रह गए और मैं दे भी नहीं पाई। तो ऐसा करना जब तुम जाना तो किरण को उनकी विदाई की साड़ी जरूर दे देना। हाँ हाँ आपका वो फेवरेट है ना। दुकान तो देख ली थी पर ले नहीं पाई थी। चलो हाँ देखो ना देखो ना कैसी लगी आपको। आप बैठो आप बिल्कुल मत घबराओ, आप ही का घर है ये। भैया ये देखो बहुत दिन बाद देखोगे, इधर आओ प्लीज। ये वो देखो पीछे करो पीछे, यूपी स्टाइल में कैसे दिया जाता है। अच्छा बंदी सिंदूर बिंदी सुहाग का। हाँ ये थोड़ा छोटा सा क्रीम और वो सुहाग का पूरा दिया जाता है। हाँ पूरा सुहाग का जो जो सामान होता है ना, मेहंदी भी है और चूड़ियां भी है।
बस एक जगह मिस्टेक कर गए, जहाँ काजल बोल रहे हो नेल पॉलिश है। पहली बार मुझे लगता है ऐसे एकदम प्रॉपर मिला है। हाँ, मैंने सुना था मिलता है, पर दिस इज माय फर्स्ट टाइम। बट रहा है तो भैया क्या बना रहे? मेथी चिकन, प्याज टमाटर लहसुन अदरक पड़ गया। हाँ, मेथी पड़ेगी। केवल मेथी है उसमें? हाँ। अच्छा, ये मसाला तैयार करके रखा मैंने। कौन कौन सा मसाला है इसमें? मीट मसाला है। हाँ, जीरा पाउडर है। हाँ, हल्दी है और लाल मिर्च। अच्छा, क्योंकि भैया ने बता भी दिया क्या क्या है, क्या क्या फ्राई कर रहे हैं। और सारा मिक्स करके 2 चम्मच डाल दिया आपने। खा देती हूँ। ये देखिए, इधर पे चिकन तैयार है, धुल गया है। ये भी काम शायद किरण दीदी ने ही किया है। हाँ, नहीं नहीं, ये राज भैया ने किया है। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा चॉपिंग का काम कर दिया है। घर घुमा देना उससे पहले इसको धुलना। अच्छा, वो थोड़ा तो मैंने तो मेथी भूल गई। मैंने देखा था सुबह बैठ के प्यार से उसको तोड़ रहे थे ना मेथी को। हाँ, 2 से 3 मिनट के बाद आपको चिकन डाल देना मसाले में। ये भी हार्डली 2 से 3 मिनट ही तो हुआ भैया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दही 100 ग्राम के आसपास। और इसको तब तक कुक करेंगे भैया? जब तक ये गाढ़ा हो जाए तब तक। फिर मेथी डालेंगे तो पकाएंगे। अच्छा अच्छा, मेथी सबसे लास्ट में डालेंगे? मेथी डाल के फिर 10 मिनट पकाएंगे। अच्छा, तो 10 मिनट हो गए। और चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। हो गया मेरा मसाले के साथ। अब मैं डालूंगा इसमें मेथी। भैया कुछ बोलते रहो, साइलेंट हो जा रहा है। उसमें मेथी है। एक पाव मेथी है। खा के भी मैं बता दूंगी दोस्तों को। वैसे तो कोई डाउट नहीं है आपके खाने में कि अच्छा ना हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत निगेटिव में आता है। तो फिर आप 10 मिनट बाद फिर हम लोग इसको चेक करेंगे, और फिर उसके 20 मिनट बाद हम लोग इस पर टूट पड़ेंगे खाने के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करने के 20 मिनट बाद क्यों? अरे मतलब चावल नहीं है, रोटी नहीं है, तो वो मैं चल के बनाती हूँ ना फटाफट। तो किचन बनाने वाले ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम से की। हाँ हाँ हाँ, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हरे धनिया और 5 मिनट और पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद नींबू का रस भी डाल देते हैं। नींबू का रस कहाँ रखा? ये आ गया। हाँ, ये है एक नींबू का रस। ऑलमोस्ट बन चुका है, केवल थोड़ा सा 5 मिनट का काम है। उसके बाद भैया बटर डालेंगे और ऑफ कर देंगे। भैया ने देखा आपने चिकन बनाया, और उसके बाद हमारा जो काम था वो है रोटी बनाना। तो ऑलमोस्ट रोटी भी हो गई है। मैंने पहले से ही एक साथ फटाफट बेल दिया और फिर इसको सेक रही हूँ। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ चावल। इसका फाइनल लुक चिकन का चिली पनीर। ये पनीर की सब्जी जो कि भैया ने बनाई है, चिली पनीर और शाही पनीर। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस, ये देखिए। और वहाँ पे पनीर बनी है, तो जो वेज वाले हैं वेज खाएंगे, जो नॉन वेज वाले हैं नॉन वेज खाएंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो खाना खा के मज़ा आ गया। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।